बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सिक्स बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास चार्ट फॉर्म हमें दिया हुआ है। ये हमारे पास चार्ट है, फिगर नहीं है। इस बार हमें कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्यूबॉइड, हमें कंप्लीट करना है ये टेबल। लेकिन ये टेबल हम डायरेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें पहले ये टेबल कॉपी करना होगा, देन उसके बाद हमें पार्ट वाइज इसको सॉल्व करना होगा। ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग। तो ए वाला आप देख सकते हैं कि वही अगेन हमारे पास प्रीवियसली फिगर जैसे हमें दी हुई थी। इस बार हमें जो है आपको इसमें ज़्यादा इसमें रिकॉग्नाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये तो आपके पास सिंपल वही जो हम काम करते आ रहे हैं। इसमें जो है बी सी डी में कुछ पार्ट्स आपसे छुपाए हुए हैं। जैसे कि आपसे मैं बात करूं कि आपसे जो है हमारे पास जो सी पार्ट है उसके अंदर हमें लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करेंगे कैसे, क्या होगा, और सरफेस एरिया मालूम करना है उसका तरीका क्या होगा, हम देख लेते हैं। तो सी पार्ट का हम डेटा बना लेते हैं। फिर दोबारा कह रही हूँ हमारे पास हर पार्ट इंडिविजुअली सॉल्व होगा, तो डेटा बना लेते हैं सी पार्ट का। हमारे पास सी पार्ट में क्या क्या गिवन है, हमारे पास ब्रेथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, डायरेक्ट नहीं लिखना है, पूरी वर्डिंग्स लिखनी है। और हमारे पास हाइट गिवन है, ये सब चीज़ें गिवन है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास इसके साथ साथ वॉल्यूम गिवन है इस बार, और वो क्या है 52.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास पार्ट सी में, बस रिक्वायर्ड क्या है बेटा, लेंथ हमें मालूम करनी है, सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें सबसे पहले लेंथ मालूम करनी है। लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड लेंथ। तो क्या करेंगे उसके लिए, हमें कोई इशू, हमारे पास वही अगेन प्रीवियस वाला फॉर्मूला है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है बेटा, इसमें से आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से हम अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है बेटा, 52.5 इक्वल्स टू लेंथ हमें मालूम करनी है, एज इट इज ऐसी रहेगी। ब्रेथ हमारे पास क्या है 6 है। हाइट हमारे पास क्या है बेटा 3.5। 52.5 एज इट इज उतर जाएगा, लेंथ भी एज इट इज उतर जाएगा, और 6 और 3.5 आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, ये चीज़ आपको सबको पता है। उससे अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमें अननोन फाइंड करना होता है और एल अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, 52.5 को डिवाइड बाई 21, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5। लेंथ हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि हम अपने अननोन को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें, और ये हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 2.5 आएगा। और सेंटीमीटर हम लगाएंगे बिकॉज ये लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ है, और ब्रेथ लेंथ की हमारे पास सेंटीमीटर है, तो हमारे पास लेंथ की भी सेंटीमीटर होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लें यहाँ पर, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बार बार मैं कह रही हूँ, डेसिमल आपको पता है कि रिमूव करते हैं तो हमारे पास जितने डिजिट होते हैं उतने हमारे पास जीरो लग जाते हैं नीचे। तो आप इजीली इसको कैंसिलेशन कर फाइनल इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको डेसिमल का दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। अब हमारे पास चलते हैं, हमने क्या मालूम करना है, टू फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का वही अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको रट जाना चाहिए, 2 × L × ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है बेटा, तो आपने वैल्यूज पुट करनी है, लेंथ की जगह हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम निकाल कर आ चुके हैं 2.5। ब्रेथ की जगह हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 6 है प्लस का प्लस ब्रेथ की जगह अगेन ब्रेथ की वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू जो कि 3.5 है प्लस हाइट की जगह अगेन 3.5, लेंथ हमारे पास हमने निकाली है 2.5। अगेन वही क्राइटेरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को और हमारे पास तीन चीज़ें प्लस होकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड यू गेट योर सरफेस एरिया जिसकी सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी। याद रहे बात, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। ये डिपेंड करता है आपका गिवन में क्या आपको चीज़ें, कौन सा यूनिट आपको प्रेफर या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक में कि हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में मिलीमीटर है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मिलीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया की क्या हो जाएगी, मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये तो सेंटीमीटर, ये इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास मीटर है तो ब्रेथ की यूनिट मीटर होगी और सरफेस एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। जदाकल्ला।